मध्य प्रदेश के सतना जिले के ग्राम मझगवा जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदई में सरपंच सचिव ने भ्रष्टाचार की हद ही पार कर दी है। पूरी पंचायत क्षेत्र में नाली का निर्माण हुआ ही नहीं, लेकिन रिकॉर्ड और दस्तावेजों में हुआ है। नाली का निर्माण कहीं भी नहीं हुआ, जिससे प्रतिदिन समस्या बनी रहती है। और शौचालय के निर्माण में भी 20 व्यक्तियों का पैसा बंदर बांट कर सरपंच सचिव डकार गए। ग्रामवासियों के द्वारा लगातार शिकायत पे शिकायत की जा रही है, अधिकारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि ग्रामवासियों के द्वारा SDM साहब को लिखित ज्ञापन भी दिया गया है, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सरपंच के द्वारा धमकी भी दी गई है। मझगवां से पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। आपका नाम? शशिकांत कुशवाहा। आपकी क्या समस्या है? समस्या लेटेंगे पैसा हमारे व्यक्तिगत जो बैलेंस वो मिलना था पैसा, वो नहीं मिला हमारा। राशि प्रोत्साहन राशि मिलती थी सरपंच द्वारा, बोला अपने से बनवा ले, उसके बाद हम पैसा देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया पैसा। पैसा निकाल लिया गया है, पूरा अपने दूसरे के खाते में डाल दिया गया, 180,000। मतलब 20 आदमी के यहाँ लेटेंगे पैसा जो नहीं दिया गया। कहने पर मैंने सूचना के तहत रिकॉर्ड निकलवाया, उसका आज तक आवेदन नहीं लिया, बोला हमको नहीं लेना। और जो ये मिट्टी पड़ी है 20 ट्राली, जिसमें 36,000 रुपये निकाला गया। नाली हर गांव में पूरी समस्या, नाली बन गई है लेकिन रिकॉर्ड में बनी है, लेकिन गांव में किसी भी प्रकार की नाली नहीं बनी। उसका पूरा पैसा निकाल के अपना खा गए सरपंच सेक्रेटरी दोनों। आपका नाम? विजय कुमार कुशवाहा, वार्ड नंबर 8 में बोला हूँ। हमारे इधर पानी की निकलने कोई व्यवस्था नहीं है, इसका पैसा नाली का निकल चुका है और सरपंच ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बच्चियाँ जो आती हैं उसमें उनको बहुत परेशानी होती है, उनके निकलने के लिए कोई शासन की ओर से जितना पैसा आता है सब सरपंच पता नहीं क्या करता है, कुछ काम नहीं करता। हमारे इधर ये नाली ये सब पूरी हुई है, इसका पैसा निकल चुका है, शासन क्या करता है इसकी कोई इंक्वायरी नहीं, जांच ऊपर से हो नहीं रही है। सरपंच सेक्रेटरी को बोले तो कहता है कि बनवाएंगे और कुछ वो नहीं करता है। लड़कियां जैसे जूता पहन के गई तो उनको बहुत तकलीफ होती है स्कूल जाने के लिए। आवेदन भी दिया गया, इसकी कोई जांच नहीं हुई है। अब बारिश जो होती है तो तब इतना कम से कम 1 फीट पानी भर जाता है, तो कहाँ से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से निकल पाएंगे बताइए। इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अभी इधर से आने वाले व्यक्तियों को भी आने में परेशानी, आने जाने वाले को तो परेशानी है ही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं। आपने इनकी शिकायत की है? हम बहुत ज़्यादा शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरपंच सेक्रेटरी तो सुनते ही नहीं है। कब शिकायत की थी? अरे 1 साल 2 साल कई साल शिकायत में शिकायत होती रहती है, पर सरपंच की ओर से कोई वो नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।